पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा लिए जा रहे निर्णय सही हैं और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। ये शब्द केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अपने प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि बंगाल के चुनाव में हत्या व हिंसा के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है और चुनावों में ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार रही हैं और उसकी बौखलाहट में सब दिखाई दे रहा है। वहीं देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व हाथों को बार बार सैनिटाइज करने के साथ पात्र लोगों को टीकाकरण करवाने का आह्वान किया। जिला हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने खोखा धारकों के लिए 62 लाख की लागत से निर्मित पक्की दुकानों का लोकार्पण किया। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में भाग लिया और सुजानपुर सैनिक स्कूल में चल रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी भी प्रशासन से ली। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री, सुजानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र ठाकुर, SDM सुजानपुर, SJBN के प्रोजेक्ट प्रभारी मौजूद रहे। बंगाल चुनावों में हिंसा पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सुरक्षा बल को ड्यूटी से रोका जा रहा है और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस हार से डर कर आए दिन भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को हत्या और हिंसा की राजधानी बनाकर रख दिया है, लेकिन जनता अब तृणमूल कांग्रेस व ममता बनर्जी को आईना दिखाने वाली है। मैं स्वागत करता हूं चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष हो, हिंसा ना हो और बंगाल जिसको हत्या और हिंसा की राजधानी ममता बनर्जी ने और उनकी सरकार ने बना दिया था, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की जानें गई, उसकी दोषी कोई है तो तृणमूल कांग्रेस है। ये हत्या और हिंसा का दौर अब खत्म होने जा रहा है। अगर सुरक्षा बलों का घेराव करके उनको अपनी ड्यूटी करने से रोका जाए तो इससे पता चलता है कि वहाँ की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस किस तरह से छटपटा रही है, क्या बौखलाहट है, क्या घबराहट है। ये आहट है चुनाव हारने की, ये आहट है ममता बनर्जी के अपने चुनाव नंदीग्राम से हारने की, ये आहट है उसकी और कि तृणमूल कांग्रेस अब पश्चिम बंगाल से बाहर होने वाली है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर में नवनिर्मित दुकानों के लिए खोखाधारकों को बधाई देते हुए कहा कि SJBN ने रिकॉर्ड 5 महीने और 6 दिन में पक्की दुकानों का निर्माण कर सुजानपुर में खोखाधारकों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया है। उन्होंने कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा पर तंज कसते हुए कहा कि लोगों ने केवल खोखाधारकों के साथ विश्वासघात किया है, लेकिन अब उनका सपना पूरा हुआ है। वर्षों तक कईयों ने वायदे किए लेकिन निभाए नहीं। हमने 6 महीने पहले ये कहा था कि 6 महीने के अंदर यहाँ पर जो हमारे खोखे वाले भाई और बहन हैं उनकी मांग को पूरा करेंगे, सुंदर बढ़िया दुकानें बनाकर उनको देंगे। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि SJBNL ने 5 महीने 6 दिन के अंदर, यानी कि 6 महीने पूरे होने से भी लगभग 1 महीना पहले, ये सारे दुकानों को निर्माण करके आज हम अपने उन भाई और बहनों की उस मांग को पूरा करने वाले हैं जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, उनकी उम्मीद को भी पूरा किया। और नवरात्रों के दिनों में ये दिया है तो इससे बड़ी खुशी की बात, त्यौहार के समय इस पुण्य कार्य के कारण यहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली भी आएगी और कामकाज भी बढ़ेगा और सुजानपुर शहर को भी इसका लाभ मिलेगा। और 62 लाख रुपए की ये दुकानें बनकर आज इन सभी भाइयों को दी जा रही हैं, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और SJBNL का बहुत बहुत धन्यवाद करता। कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की आर्थिकी के लिए लॉकडाउन घातक होता है और लोगों को चाहिए कि सरकार के द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश के कई हिस्सों में अब नौजवान के साथ छोटे बच्चों में संक्रमण के लक्षण पाए जा रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। देखिए,
लॉकडाउन लगना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक होता है, क्योंकि लोगों को अपनी दुकानें, व्यापार सब बंद करना पड़ता है। इसलिए समाज, सरकार और देश के हित में यही है कि लोग 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क पहनकर रखें, हाथों की निरंतर सफाई करते रहें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाएं। और जिनको टीका की सुविधा मिली है, टीकाकरण के लिए 45 साल से ज़्यादा हैं, वो अपना टीकाकरण भी जल्द से जल्द करवाएं। टीकाकरण करवाने के बाद भी वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क अवश्य पहने, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर नौजवानों को भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केसेस हुए हैं। ये अपने आप दिखाता है कि अब उम्र कुछ नहीं, बच्चों को भी नौजवानों को भी हो रहा है। इसलिए जो खुले में बाजारों में घूम रहे हैं, जिनकी ज़रूरत है वो तो आएं, मास्क पहन कर आएं, लेकिन जिसको ज़रूरत नहीं है वो केवल वैसे घूमने ना आएं, इससे वो देश का नुकसान करेंगे। देश के कई राज्यों से कोरोना वैक्सीनेशन की कम सप्लाई के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने हर राज्य को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भेजी है और केंद्र सरकार ने 2 स्वदेशी वैक्सीन के अलावा अब बाहरी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने राज्य सरकारों से कोविड वैक्सीनेशन पर राजनीति न करने की बात कही। भारत इकलौता देश है जहां पर 12 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीनेशन हो चुकी है, प्रतिदिन 30-35 लाख लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है और ये मोदी सरकार ने संभव करवाया राज्य की सरकारों को वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाकर। राज्यों के पास पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई है, आगे भी चाहिए होगी तो वो भी उपलब्ध करवा रहे हैं और विदेशी वैक्सीन को भी अब देश में लगने की अनुमति दे दी गई है। इससे मुझे लगता है किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और कम से कम कोरोना के नाम पर राज्य राजनीति ना करें।